नमस्कार, जिला यमुनानगर में आज एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन संस्था की ओर से साइकिलिंग मैराथन को लेकर एक मुहिम चलाई गई, जिसमें अलग अलग स्थानों से जिला यमुनानगर के युवा पीढ़ी ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस समय की तस्वीरें आपको यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक मोहित खांडा ने इस मुहिम की शुरुआत हरी झंडी दिखाकर की। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसी भी देश का उज्ज्वल भविष्य देश की तरक्की देश की युवा पीढ़ी पर निर्भर करती है। अगर देश का युवा ही गलत रास्ते पर चला जाए तो निश्चित तौर पर उसका जीवन अंधकार में चला जाता है। और आज इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन संस्था की ओर से जिला यमुनानगर में साइकिलिंग मैराथन को लेकर मुहिम चलाई गई है। इस समय की लगातार तस्वीरें आपको यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं कि डीएसपी आशीष चौधरी भी साइकिलिंग मैराथन का हिस्सा बने हुए हैं। साइकिलिंग पर खुद सवार है डीएसपी आशीष चौधरी। तो इस मुहिम में डीएसपी आशीष चौधरी ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारी युवा पीढ़ी का उत्साह बढ़ाते हुए उनके साथ साथ चल रहे हैं। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप जो एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन टीम की ओर से आज लगाया गया है, उसमें भी डीएसपी आशीष चौधरी ने ब्लड डोनेट करके समाज में इंसानियत की एक मिसाल कायम किया और इससे आने वाले समय में समाज में एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में पहुँचे पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा ने भी उन सभी का उत्साह बढ़ाया जिन्होंने इस ब्लड डोनेशन कैंप में पहुंच कर ब्लड डोनेट किया। तो इस समय की लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अपील है आप सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मैं अपना सेंटेंस रिपीट करूं, आप उतना ही कर लेना, वो ज़्यादा ठीक रहेगा। आप उठा लीजिए अपना दाना आप सभी। आज हम जिला यमुनानगर के निवासी विश्व रक्तदाता दिवस 2022 के दिन यह शपथ लेते हैं कि हम अपना रक्त नियमित रूप से दान करेंगे। भारत में रक्त की विशाल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम यह भी वचन देते हैं कि हम अपने परिवार दोस्तों रिश्तेदारों सहयोगियों और जनता को नियमित स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने का प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ हम यह भी वचन देते हैं कि जब भी कभी किसी को रक्त की जरूरत होगी हम अपने खर्चे पर बिना किसी लोभ लालच के जाति धर्म के भेदभाव से मुक्त होकर रक्तदान करेंगे। हम सतत प्रयास करेंगे ताकि रक्त की कमी से हमारे आसपास किसी की जान न जाए। आज के जो सभी चीफ गेस्ट हैं वो तो यहाँ के जो सभी रक्तदाता हैं वो ही आज के सबसे बड़े चीफ गेस्ट हैं। पर यहाँ पे मौजूद डीएसपी साहब, डीएसपी बिलासपुर इंचार्ज, एंटी नारकोटिक सेल, वेलफेयर इंस्पेक्टर और पुलिस प्रशासन की ओर से सभी जो व्यवस्था में साथ देते हुए और यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स जो विशेष तौर पे उन्होंने सुबह जो साइकिल रैली भी करवाई और आज अभी ये महान कार्य जो इसका ब्लड डोनेशन कैंप का कर रहे हैं, उन सब का हार्दिक धन्यवाद और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस नेक कार्य में आपने सबने अपना योगदान दिया है। हमें सबको पता है कि 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है। नशे से आज़ादी पखवाड़ा जो है उसी की निरंतरता में 12 जून से 26 जून तक मनाया जा रहा है। तो हमारी टीम जो है वो तन मन धन से लगी हुई है। इसमें साथ ही में ऑर्गेनाइजर्स जो
हैं और विभिन्न एनजीओ जो हैं वो भी हमारा साथ दे रहे हैं। इसी क्रम में कई कार्य जो हैं वो पुलिस द्वारा ना केवल इन्फोर्समेंट के मुकदमे दर्ज करने के पर अवेयरनेस के जो हैं वो सभी थाना चौकी के क्षेत्र में भी पब्लिक के साथ मिलकर जो एक अवेयरनेस कैंपेन उनको उनमें जागरूकता जगाने का काम जो है वो लगातार चल रहा है। जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे विशेष तौर पे इस तरह का कार्य चल रहा है। इसकी हमने इसके बारे में कई जो है गोष्ठियाँ की हैं जो जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं जैसे केमिस्ट एसोसिएशन हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर CMO और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर वो सबको हमने यही इसी ध्येय के साथ इसमें इस मूवमेंट में जोड़ा है कि जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ है वो केवल एक शुरुआत हो और पूरा साल दर साल दिन दर दिन यहाँ पे हम जो है नशा मुक्ति की ओर बढ़ें। आज का जो ये विशेष शिविर है जो रक्तदान शिविर है वो इसीलिए इसी के बारे में जागरूकता जगाने के लिए जो है वो लगाया गया है। हमारे पुलिस विभाग से भी काफ़ी लोग जो हैं वो इस ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा ले रहे हैं अपना रक्तदान कर रहे हैं। हमें पता है कि रक्तदान जो है वो जीवनदान कहलाता है। एक यूनिट जो है वो 3 जिंदगियां तक जो है वो बचा सकता है। पुलिस विशेष तौर पे रोज़ाना अपने रोज़मर्रा के काम में भी देखती है कि जहाँ पे भी एक्सीडेंट्स होते हैं या कोई पीड़ित होता है व्यक्ति उनके पास आता है तो ये ब्लड बैंक जो है ये इस प्रकार के शिविर लगाने से ही लगातार जो है वो रिप्लेनिश होता है। उसमें ब्लड डोनेशन बैंक जो है ब्लड बैंक बिल्डअप होता है और इसलिए लगातार जो है ये ब्लड डोनेशन की कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। अभी मेरे को यहाँ पे आमंत्रित करते वक्त आपने ये कहा कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं तो ये मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे ही फायदे हैं और जो ब्लड डोनेट होता है वो भी अपने आप एक जो नेचुरल प्रोसेस में ये हमारे बॉडी में डॉक्टर्स भी बताएंगे कि ये खुद रिप्लेनिश हो जाता है। खुद जो डोनेट किया हुआ ब्लड होता है ये दोबारा हमारी ब्लड स्ट्रीम में नेचुरल कोर्स में दोबारा हो जाता है तो इसका नुकसान कोई नहीं। डॉक्टरी जांच के बाद यदि आप फिट हैं तो इसको हर डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे कि हर 3 महीने में आप जो है इसको बड़े आराम से अपना एक यूनिट जो है वो डोनेट कर सकते हैं और इसमें फ़ायदे ही फायदे हैं और उन्हें मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर पे यहाँ पे जो मेडिकल टीम आई है जो यहाँ पे सारा ब्लड डोनेशन का कार्य कर रहे हैं ब्लड यूनिट स्टॉक कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और सभी ऑर्गेनाइजर्स को पुलिस टीम के सभी सदस्यों को और यहाँ पे आए हुए पत्रकार छायाकार बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इसको अच्छे से कवर किया और इसके बारे में अवेयरनेस जो ड्रग एब्यूज़ के बारे में और ब्लड डोनेशन के बारे में वो उसको पब्लिक तक पहुंचाने में बहुत अहम योगदान किया है। आगे भी मैं आशा करता हूँ कि इसी प्रकार के जो परमार्थ के कार्य हैं वो चलते रहेंगे और हम एक बेहतर समाज की सृजना कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। नशा मुक्ति को लेकर कार्यक्रम चल रहा है पखवाड़ा तो क्या कुछ नहीं किया जा रहा है क्या महसूस? देखिए नशा मुक्ति नशा से आज़ादी जो मुहिम है चल रही है पखवाड़ा 12 जून से 26 जून तक चल रहा है उसमें कई कार्यक्रम निरंतर श्रृंखला में करवाए जा रहे हैं। आज जो है वो हम रक्तदान शिविर एक जो है वो आयोजित किया गया है। इसमें जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और नोडल ऑफिसर DSP और इंस्पेक्टर एंटी नारकोटिक सेल और पूरा पुलिस प्रशासन जो इसमें जुड़ा हुआ है वो स्वयं भी रक्तदान कर रहे हैं लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हैं और इस रक्तदान शिविर के माध्यम से जिसमें मेडिकल टीम जो हेल्थ टीम है उसका भी बहुत बड़ा योगदान है और पूरा प्रशासन मिलकर एक मैसेज दे रहा है कि जो ड्रग अब्यूज़ है उससे हमने बचना है नशे के विरुद्ध हमने लाभबंद होना है और जो रक्तदान है वो एक स्वस्थ व्यक्ति जो है वो कभी भी कर सकता है और स्वस्थ वो तभी रह सकता है जब वो नशे से दूर रहे। सर पखवाड़ा में क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? पखवाड़ा लगातार इसको
कई स्तर पे किया जा रहा है, थाना चौकी स्तर पे भी किया जा रहा है। कई कार्यक्रम जो है वो DSP साहब भी अपने अपने सब डिवीजन में कर रहे हैं और जिला स्तर पे भी लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। अवेयरनेस सेशन, नुक्कड़ मीटिंग्स जो हैं और पीस कमेटी की मीटिंग्स के माध्यम से भी हम लगातार सबको ये बता रहे हैं कि नशे से दूर रहना है थाना स्तर पर, और अवेयरनेस कैंप्स लग रहे हैं। अभी तक जो है हमने मीटिंग्स की हैं कई स्टेक होल्डर्स के साथ, केमिस्ट एसोसिएशन के साथ, और जितने हमारे एक सही राह के तहत पुलिस का मुहिम लगातार चल रहा है उसमें हमने CMO साहब को और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर को और डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर को भी साथ में लेके उनको भी हमारी पुलिस की मुहिम से अवगत करवाया है। एक साइकिल रैली जो है वो भी आज सुबह आयोजित की गई थी। क्रिकेट मैच जो है वो भी अवेयरनेस के नाते हमने ये कार्यक्रम लिया है, और लगातार कई कार्यक्रम जो है वो चलते आ रहे हैं। आज ब्लड डोनेशन कैंप है और इसी की निरंतरता में कल एक 26 जून जो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज है उसमें एक सेमिनार भी करवाया जाए है जो है। काफ़ी दिनों से ये संस्था जो है कार्य कर रही है, क्या कुछ कहना चाहिए इस NGO के बारे में? देखिए जो एज़ फार एज़ ब्लड डोनेशन कैंप इज़ कंसर्न, आप जानते हैं कि ये एक पखवाड़ा चल रहा है हमारा नशे से आज़ादी। 12 से लेकर 26 तारीख तक ये इंटरनेशनली अक्लेम्ड एक फोर्टनाइट कह लो या वीक कह लो उसको, दिस ये फोर्टनाइट है और ये पूरे इंटरनेशनली इसको ऑब्ज़र्व किया जाता है और ये नशे के खिलाफ एक पूरे दुनिया में एक मुहिम चलती है। उसी के मद्देनज़र ये जो डिफरेंट एपिसोड्स चल रहे हैं उसमें साइकिलिंग है, कैंडल मार्च है, आज ब्लड डोनेशन कैंप है और कल एक सेमिनार है, हम वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। बेसिकली जो ये हम इवेंट्स कर रहे हैं और इन इवेंट्स के पीछे जो मैं बोल रहा हूँ कि जो थीम है या जो उसकी स्पिरिट है या जो उसकी आत्मा है वो बेसिकली लोगों को अवेयर करना है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन है, ब्लड डोनेशन अपने आप में ही एक बहुत महान कार्य है। रक्तदान तो मैं आपको बोल ही रहा था कि जो आज तक दुनिया में सबसे बड़े एक दानी हुए हैं उनका नाम दानवीर करण, जो हम सब जानते हैं, दानवीर करण के पास भी ये ऑप्शन नहीं था कि वो अपना ब्लड दान कर दे, और वो हमारे पास आज की डेट में है। आज का जो हमारा साइंस इतना तरक्की कर गया है तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि साल में हमें कम से कम 3 बार तो ब्लड डोनेट कर ही देना चाहिए, और एक्सपर्ट्स जो वो ये बोलते हैं कि 3 महीने में एक बार ब्लड डोनेट हम कर सकते हैं जो कि एनुअली 4 बार हो जाता है। तो इस ब्लड डोनेशन के आड़ में आप कह सकते हैं जब जहां लोग इकट्ठे हो गए, समाज के मौजूद आदमी आए हैं, युवा एक पूरा का पूरा पक्ष यहां आया हुआ है, उनको एक सेंसिटाइज करना भी एक जिम्मेवारी है हमारी। हम ब्लड डोनेशन कैंप लगवा के जहां लोग इकट्ठे हो जाते हैं उनको नशे के दुष्प्रभाव के बारे में भी बताते हैं और जो निरंतर कार्य कर रही है प्रशासन उसके बारे में भी उनको अवेयर कराया जाता है कि यदि आपके पड़ोस में कोई एडिक्ट है तो उसे आप मुलजिम ना समझें, उसको विक्टिम समझ के उसकी सहायता करें उसको दोबारा मेन स्ट्रीम में लाने के लिए। वो कैसे मेन स्ट्रीम में आएगा वो पूरा एक हमने एक उसकी SOP बना रखी है कि कैसे आइडेंटिफाई करना है लोगों को और कैसे उनका काउंसलिंग करनी है, कैसे उनको वॉलंटियर बनाना है और कैसे उनको फिर ला के उनकी दवाइयाँ, और उसी उसमें हमारा ही जो एक सही रहा करके एक NGO चला रखी है उसमें पुलिस की भी बहुत बड़ी भागीदारी है। हम लोगों को कैंप रखते हैं 21 दिन के लिए, वो 21 दिन इसलिए रखते हैं कि 21 दिन की जो साइकिल है उसमें आदमी की जो रिस्पांस है वो पता लग जाता है हमें कि ये कितने उस इंटेंसिटी तक एडिक्ट हो चुका है और इसको कितने दिन लगेंगे ठीक होने के लिए। तो सर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं लेकिन किसी कारण उनके अंदर एक हिचकिचाहट होती है, इस गलतफहमी में जीते हैं कि ब्लड डोनेट करने से कहीं ना कहीं बॉडी में नुकसान भी होगा आने वाले समय में, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहिए? प्रॉपर काउंसलिंग ऐसे लोगों के लिए तो सिर्फ प्रॉपर काउंसलिंग है, और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि लर्निंग बाय सीइंग, उन्हें आके इस तरह के कैंप्स में आना चाहिए और देखना चाहिए उन्हें कि ऐसी कुछ कोई चीज़ नहीं है। अब अगर वो इस तरह के कोई लोग अगर वो कोई भी हैं, अगर आप इमेजिन करिए कि अगर आज वो होते, अब मैं जब बीइंग पुलिस ऑफिसर गचड़ ऑफिसर हूँ मैं और मैं जब खुद ही ब्लड डोनेट कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से जब आदमी देखेगा कि यार ये ऐसी कोई बात नहीं है, जब एक अधिकारी भी ब्लड डोनेट कर रहा है और बोल रहा है कि ब्लड डोनेट करने से कुछ नहीं होता, तो मेरे को लगता है कि वो जो काउंसलिंग जब तक उनकी प्रॉपर नहीं होगी जब तक वो हिचकिचाएंगे, लेकिन ये चलता रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी बोलूँगा कि
ऐसे लोग हैं जो हिचकिचाते हैं, लेकिन आप देखेंगे अपने पीछे मुड़ के ऐसे लोग भी हैं जो रेगुलर ब्लड दे रहे हैं, तो वो एक साइकिल बनी रहती है। तो तस्वीरें इस समय की आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से शिला यमुनानगर के मेट्रो होटल के बैक साइड अटक सेवा केंद्र से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस सोसाइटी में एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंशन की टीम की ओर से ब्लड डोनेशन सेमिनार का आयोजन किया गया है, जहां पर आज हमारे जो यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के कैमरामैन हैं वो भी आज पहली बार जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज एकदम से ऐसा डिसीज़न कैसे लिया और कैसा लग रहा है आज इस सेमिनार का हिस्सा बनकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, आज ब्लड डोनेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपका एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, लाइफ टाइम में मैंने कभी अभी ब्लड डोनेट नहीं किया, तो आज मैं पहली बार ब्लड डोनेट किया है। अब मैं देखा करके जब सभी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो फिर मुझे भी जागरूकता दिखी, तो मैंने भी ब्लड डोनेट किया। किसी गरीब के काम आ जाएगा, किसी की जान बच सकती है, उसको लेकर के मैंने आज ब्लड डोनेट किया। मैंने उत्साह जुटाया कि आज मैं भी ब्लड डोनेट करूँगा। तो सर, खुद का डिसीज़न है या यहाँ आने के बाद किसी ने बोला कि आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए? ये डिसीज़न देखिए खुद का है। डीएसपी सी चौधरी जी ने यहाँ पर शपथ ग्रहण करवाई कि हम किसी गरीब की जान बचा सकते हैं ब्लड डोनेट करके, इस करके हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए। उसी के चलते आज हमने ब्लड डोनेट किया है, तो जागरूकता आई तो मैंने इस करके आज ब्लड डोनेट किया है। तो कैसा लग रहा है कि आने वाले समय में आप जो आज ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ये आने वाले समय में किसी जरूरतमंद इंसान की जान को बचा सकता है, तो कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसी आ रही है आपको? अच्छी फीलिंग हो रही है कि हमारे एक थोड़े से ब्लड डोनेट करने के बाद किसी की जान बच जाती है, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। तो तस्वीरें इस समय की आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की टीम भी बैठी हुई है, सिविल हॉस्पिटल से टीम पहुंची है। तो इस समय की लाइव कवरेज आपको यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अपील है सभी से इस खबर को देखने और सुनने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।